20 तारीख है जयश्री। हाँ हाँ, इसलिए तो गाड़ी मंगवाई है। हम हिमांशु को निर्दोष साबित करके सीधा चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे शादी रुकवाने। अच्छा अच्छा वाली, आप ये सोचिए कि हिमांशु का मुकदमा हम लड़वाएंगे किससे? गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, कहिए मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हो गया। अरे ऐसा आप बोलिए। हाँ तो ये मैं ही बोला। कटघरे में खड़ा बड़े बेवकूफ जैसा बर्ताव कर रहा है ये मुलजिम, असल में खतरनाक गुनेगार है जिसने चक्कू सिंह आलूवाला की बड़ी बेरहमी से छुरा मारकर हत्या करने की कोशिश की, और ये मैं साबित करके रहूंगा। मेरा सबसे पहला गवाह है मिस्टर प्रफुल्ल पारे। मैं हूँ प्रफुल्ल। पता है। हाँ तो मिस्टर पारे, मेरे सवालों का सही सही जवाब देना। आप वकील हैं? मैं अदालत में खड़ा हूँ, काला क्लोक पहना है, तो मैं वकील ही होऊंगा ना? ऐसा जरूरी नहीं। हा? हो सकता है आप जादूगर हो और इसलिए ये लंबा काला कोट पहना हो, केलाल की तरह, है ना? जादूगर केलाल लाल रंग का क्लोक पहनते हैं और ये काला है। हाँ तो आप काला जादू करते होंगे। ऑर्डर ऑर्डर, बी सीरियस प्लीज। हाँ तो आपका नाम? प्रफुल्ल। आपका? पंडित, एडवोकेट पंडित। पंडित मतलब यूपी वाली पंडित फैमिली? मेरी फैमिली कर्नाटक में है। अच्छा अच्छा, लुधियाना। मैंने कहा मेरी फैमिली कर्नाटक में है, और लुधियाना कर्नाटक में नहीं है। तो कहाँ है? पंजाब में। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा आपकी फैमिली कर्नाटक में है। हाँ तो मेरी फैमिली कर्नाटक में ही है। तो फिर पंजाब में है, ऐसा क्यों कहा? लुधियाना, लुधियाना पंजाब में है। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी फैमिली लुधियाना में नहीं है। कैसे हो सकती है? जब लुधियाना ही कर्नाटक में नहीं है तो मेरी फैमिली वहाँ नहीं हो सकती ना। कहाँ नहीं हो सकती? कर्नाटक में। लुधियाना में, पंजाब में है। कौन? मेरी फैमिली, मेरी फैमिली। क्या हुआ आपकी फैमिली को? मिस्टर प्रफुल्ल, उसकी फैमिली सलामत है, पंजाब में है। कर्नाटक में? ओके ओके, गैंगटॉक में। अब मैं आपकी फैमिली के बारे में पूछूंगा और आप सही सही जवाब देना। तो आप अदालत को ये बताइए कि मिस्टर हिमांशु आपके क्या लगते हैं? मेरा साला वकील साहब, हिमांशु मेरा साला है। मेरी अंशा का भाई। तक 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 तक। हाँ केटर रे ताक चटा का दिन। हाँ खाना बहुत अच्छा पका था। तक 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 तक। और सब्जी तो बहुत अच्छी काटता है। ताक चटा। ओके आलू। तक तक तक। हाँ बैंगन। गोभी। हाँ भाई हाँ, आलू गोभी मटर। नहीं मटर नहीं, मटर छिलता है। गोभी का ऑर्डर ऑर्डर। बिलोड़ी आदमी। मैं जा। सामने वाले वकील को तो प्रफुल्ल ने लाल पीला बना दिया। भैया तो सिर्फ हमारे तीर कमान के बाबूजी, अब छूटेगा हमारा ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले आप अदालत को ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हा? हिमांशु। ये आपका पूरा नाम है? हाँ पूरा का पूरा मेरा ही है। पूरा का पूरा हिमांशु का है, इसे नोट किया जाए। नोट किया जाए? हाँ, तो जिस दिन आप चक्कू सिंह के घर गए थे उस दिन आपने क्या देखा था? सुबह मैंने स्टार प्लस का विदाई देखा था। और शाम को अमिताभ बच्चन की पिक्चर अदा कानून। हाँ, हमने साथ में देखी थी। नहीं अरे डोंडा बोट, ये नहीं, चक्कू सिंह के घर पे पहुंचने के बाद तुमने क्या देखा? वहाँ हमने टीवी चालू ही नहीं किया तो देखेंगे क्या? ए जज, ऐसे किसी के घर पे जाते हैं तो खुद जाके टीवी नहीं चालू करना चाहिए, ऐसा सिखाया है हमारे बच्चों ने हमें। ऑर्डर ऑर्डर प्लीज। मर गए प्रफुल्ल। ऑर्डर मतलब? ऑर्डर का मीनिंग ऑर्डर अंसा। अरे हम वो भूत वाली फिल्म की शूटिंग देखने गए थे। हाँ? वहाँ वो दिग्दर्शक हीरोइन को समझा नहीं रहा था
कि तू कम डर रही है, तेरे सामने भूत खड़ा है। तू ऑर्डर ऑर्डर मेरी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते आप। और फिर प्रफुल्ल, आपको तो कितना डर लगता है डॉक्टर से ऐसे ऑब्जेक्शन लेते हुए। हंसा बहन, डॉक्टर उनको मारते हैं ना, उसको ऑब्जेक्शन नहीं कहता है, उसे तो टेबल कहते हैं, है ना? टेबल है ना? तुम्हारा डॉक्टर तुमको टेबल मारता है? कभी कभी कुर्सी भी। कुर्सी? और फिर भी मैं वहाँ से नहीं गया तो कोई मरीज उठा के मुझे मारता। सच चीचा जी? हाँ, क्यों याद नहीं उस दिन वो मारवाड़ी लड़का लगा था प्रफुल्ल के सर पे ऐसे। मिसेस हंसा, चुपचाप मुके दबा लड़िए। अच्छा, अब जज गया पारा के भाव में। अच्छा, सब अचानक गूंगी क्यों हो गई? मेरे मग 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 में जिप जिप होती है। मग को जानता मैं। मुझे अब ये बताओ कि तुम उसको सारा इशारे से क्यों समझा रही थी? क्योंकि आप ही ने तो कहा कि हंसा चुपचाप मुकदमा लड़ो। ओह माय गॉड। अरे बोलती हूँ तो कीट पीठ, नहीं बोलती हूँ तो कीट पीठ। बोलो बोलो बोलो, मत मत बोलो। आप कहते हैं कि बोलो। हाँ तो हिमांशु, जब मेरे प्रफुल्ल और ये इंस्पेक्टर चक्कू सिंह के घर पे आए तो उन्होंने कमरे में क्या देखा? उन्होंने देखा कि मेरे हाथ में छुरा है और चक्कू सिंह के पेट में छेद है बड़ा। ओ छेद, फिर क्या हुआ? फिर इसी इंस्पेक्टर ने हिमांशु की तारीफ की। करोनर, मैंने तारीफ कब की? क्यों, आपने नहीं कहा हिमांशु हैंड्स अप हैंड्स अप? फिर शुरू होगा मेरी गुराव। हंसा भाभी हैंडसम और हैंड्स अप के बीच में गड़बड़ कर रही है। चलिए चलिए, शट अप तो कमीज ऊपर करने का इंग्लिश शब्द है जॉर्ज। अच्छा भाई, ओके ओके। हैंडसम मतलब सुपक, अच्छा दिखने वाला आदमी। हाँ, अभी समझा। इंस्पेक्टर ने हिमांशु की तारीफ की। अरे लेकिन नहीं की, की है तो इसे साबित क्या होता है? यही कि हिमांशु ने चक्कू सिंह को छुरा नहीं मारा है। कैसे? अगर हिमांशु ने चक्कू सिंह को छुरा मारा होता तो ये इंस्पेक्टर हिमांशु की तारीफ करता। बोलिए क्या आप ही बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है ठीक है। वाह वाह, मेरी हंसकली हंसकली, क्या केस लड़ी हो? ए तारीख पे तारीख, दामिनी लेडीज सनी देओल। ए हो गया, साबित हो गया, हो गया मेरी। ए चल हिमांशु, हां चलो चलो, ए जीत गया। अरे क्या चल हिमांशु, बंद करो, जज साहब रोकिए इन्हें। अच्छा भाई, इस हिमांशु ने चक्कू सिंह की धन दौलत हटाने के लिए बड़ी बेरहमी से उसे मारने की कोशिश की है। एक हाथ में छुरा, साइड में अकबर इंसान और छुरे पे उंगलियों के निशान। अब क्या हुआ? ऐसे कुछ भी मत बोल, ब्लैक एंड व्हाइट। कोरोनर, क्या है बोलो? हिमांशु जाकर भी चक्कू सिंह की दौलत नहीं हत्या सकता था। हाँ, क्योंकि उसने तो मेरे मरने के बाद मेरी सारी धन दौलत गरीबों में बांट देना, यही मेरी आखिरी रवाइश है, ऐसा लिखा है अपनी आत्महत्या की चिट्ठी में। हाय लोग, चक्कू सिंह ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी? आत्महत्या? दिखा जज को चिट्ठी, दिखा। ए जज देख। हाँ ये देख, देखिए देखिए देखिए, क्या है? दिखाता है फिर खुद देखता है। मैं अपने आप को चक्कू मार रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी सारी धन दौलत दान में दे देना, यही मेरी आखिरी रवाइश है चक्कू सिंह। नहीं हिमांशु, ये रवाइश नहीं, ये ख्वाहिश लग रही है। ना बड़ी बहन, आर फोर डोसा। अरे आर फोर डोसा नहीं, डी फोर डोसा। हाँ, मैं मसाला डोसा की बात कर रहा हूँ। तो फिर एम फोर मसाला डोसा आएगा, आर कहाँ से आया?
वो रवा मसाला डोसा निकला था। चिट्ठी तुम लोग के पास थी तो तुम लोग ने बताया क्यों नहीं? अरे बता देते तो फिर हिमांशु और परमिंदर अलग अलग कैसे होते हैं? सही है। अरे पुतला बना कर रखना चाहिए इन दोनों का म्यूजियम में। मम्मी मम्मी साड़ी बात बात में चलो चलो सुबह 7 बजे से पहले चंडीगढ़ पहुँचना है। एक मिनट, रास्ता पता है चंडीगढ़ का? मुझे पता है, मैं 6 महीने पहले गया था वहाँ हंसा के लिए गजरे लाने। देखी मन, हाईवे से सीधा, हाँ फिर जयपुर मेन सिग्नल के नीचे एक काला कुत्ता बैठा होगा, ऐसे करता हुआ, हाँ। वहाँ से लेफ्ट। भले प्रफुल्ल कहते, तू तो 6 महीने पहले वहाँ गया था, अभी तक वो काला कुत्ता जयपुर के मेन सिग्नल के नीचे ही बैठा होगा, करता हुआ भाग गया होगा तो? तो क्या बाबू जी, जयपुर मेन सिग्नल तो वही होगा ना, हमें लेफ्ट वहाँ से लेना है, कुत्ता वहाँ हो या ना हो। और आपको गदा गदा कहते रहते गोगे। शे, शे। अरे चलो चलो जल्दी चलो चलो